मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। गौरतलब है कि मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी ने मुलायम की सीट से डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अब सोमवार को डिंपल ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। पर्चा दाखिल करने के दौरान डिंपल के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उनके पति अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव मौजूद रहे। डिंपल ने रामगोपाल यादव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर पर्चा भरा। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद डिंपल ने कहा कि नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। उन्होंने विश्वास जताया कि मैनपुरी का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। मोबाइल पीछे करो। अरे मोबाइल नीचे कर ले भाई। मोबाइल मोबाइल कर ले यार भाई। नहीं यार पीछे कर ले भाई। क्या है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी नहीं है, उन्होंने सपा को जहां बनाया, अपना खून पसीना बहाकर कार्यकर्ताओं ने जिस तरह साथ दिया, हम उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। अखिलेश ने कहा कि आज जब नेताजी नहीं है, हम सब उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक सम्मान की जो लड़ाई मुलायम सिंह यादव ने शुरू की थी, उसे हम सब आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि डिंपल यहां से प्रत्याशी है और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां की जनता हमेशा की तरह ऐतिहासिक विजय का आशीर्वाद देकर इन्हें संसद में भेजेगी। चुनाव उन परिस्थिति में हो रहा है जब नेताजी नहीं है। नेताजी नहीं इस समाजवादी पार्टी को यहां बनाया, अपना खून पसीना लगा करके यहाँ के कार्यकर्ता नेता ने नेताजी का साथ दिया। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया राजनीति में और मैनपुरी के विकास को जो आगे बढ़ाने का काम किया, हम भरोसा दिलाते हैं समाजवादी लोग कि उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी के आशीर्वाद के रूप में पूरा का पूरा वोट यहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव को मिली। आपको बता दें कि पर्चा दाखिल करने से पहले डिंपल यादव और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के दिवंगत संरक्षक मुलायम सिंह यादव को इटावा के सफाई में उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान डिंपल ने कहा कि वो अपना नामांकन पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के सिद्धांतों और मूल्यों को समर्पित करती हैं। डिंपल ने अपने एक ट्वीट में कहा कि नेताजी को सादर नमन के साथ हम आज का नामांकन उनके सिद्धांतों और मूल्यों को समर्पित कर रहे हैं। डिंपल ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि नेताजी का आशीर्वाद हम सब के साथ हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।